नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोगों को गोल्ड कहाँ से बाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स का ये सवाल होता है कि हम लोगों को गोल्ड क्या लोकल ज्वेलर्स से बाई करना चाहिए या फिर ब्रांडेड ज्वेलर्स से। तो हम लोग जो है दोस्तों, पहले जो है ब्रांडेड ज्वेलर्स के बारे में जानकारी ले लेंगे कि अगर आप लोग ब्रांडेड ज्वेलर्स से गोल्ड बाई करते हो तो आप लोगों को क्या प्रॉफिट है, उसके बाद में ब्रांडेड ज्वेलर्स से बाई करते हो तो क्या लॉस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हम लोग लोकल ज्वेलर्स से गोल्ड बाई करते हैं तो हम लोगों को क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। तो इसके बाद में हम लोग लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बेनिफिट्स देख लेते हैं कि हम लोग अगर बाई करते हैं गोल्ड ब्रांड से तो हम लोगों को क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों हम लोगों को होता है डिजाइंस का। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि हर ब्रांडेड ज्वेलर्स जो है खुद की मैन्युफैक्चरिंग रखता हो सकता है कि वो किसी मैन्युफैक्चरर से भी जो है डिजाइंस लेता हो, लेकिन जब आप किसी ब्रांड से डिजाइंस लेते हैं या फिर ज्वेलरी बाई करते हैं तो आप लोगों को डिजाइंस में एक वेरायटी देखने के लिए मिलती है और कम से कम 10% का फिनिशिंग में अंतर देखने को मिलता है। फिनिशिंग उनकी बहुत प्रॉपर होती है और बहुत अच्छी होती है। तो हो सकता है आप जब किसी ब्रांड से ज्वेलरी लें तो आप लोगों को बहुत अच्छी फिनिशिंग और बहुत अच्छे डिजाइंस जो है गोल्ड की ज्वेलरी के मिले। इसके बाद में दोस्तों बात होती है ट्रांसपेरेंसी की। तो आप अगर किसी ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम में जा रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, क्योंकि वहां पे जो है सारा शोरूम स्टाफ से ही ऑपरेट होता है, तो उन लोगों को खुद को भी ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी होता है। तो उनके जो मेकिंग चार्ज होते हैं अलग अलग टाइप की ज्वेलरी पे अलग अलग फिक्स होते हैं, उसके बाद में गोल्ड के जो रेट होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसके बाद में बाईबैक पॉलिसीज जो होती है वो फिक्स होती है, उसके बाद में आप जो गोल्ड एक्सचेंज करते हो वो गोल्ड कैसे एक्सचेंज होगा इसकी भी पॉलिसीज जो होती है फिक्स होती है। तो इसके लिए जो है ट्रांसपेरेंसी उनके यहाँ पे होती है और इस ट्रांसपेरेंसी का आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा फायदा होता है। उसके बाद में बाई एनीवेयर बाई सेल। अब ये बाई एनीवेयर बाई सेल का मतलब क्या है कि अगर आप किसी ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं और उसके ऑल ओवर इंडिया में 250-300 शोरूम है और आपकी जॉब मान के चलिए ट्रांसफरेबल है, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी एक सिटी से बाई करके किसी दूसरी सिटी में जो है गोल्ड सेल कर सकते हो और सेम पॉलिसीज पे सेल कर सकते हो। हालांकि लोकल ज्वेलर्स का भी आप कर सकते हो, लेकिन आप ब्रांड से अगर ले रहे हो तो उसी ब्रांड के किसी दूसरे शोरूम पे सेम पॉलिसीज पे जो है गोल्ड बाईबैक या फिर सेल कर सकते हो। तो ये आप लोगों को एक फायदा होता है ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम से ज्वेलरी बाई करने से। इसके बाद में जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, इन लोगों की एक एसओपी भी होती है। एसओपी ये होती है कि मतलब उनका जो भी प्रोडक्ट बाइंग का या फिर सेलिंग का या फिर एक्सचेंज का रूल होता है उसके रूल के अकॉर्डिंग ही उन लोग चलते हैं। तो इसका भी आप लोगों को थोड़ा बहुत फायदा ये होता है कि आप लोग जो है ठगे नहीं जा सकते। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट की मेकिंग 8% है तो आपसे 9% नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो जो होती है फिक्स होती है। अब इसके बाद में हम लोग लॉस की बात कर लेते हैं। तो लॉस में ब्रांडेड शोरूम में क्या होता है कि हाई प्राइजेस होते हैं। जैसे मान के चलिए आज 52,000 रुपये गोल्ड का रेट है, तो 52,000 रुपये का अगर गोल्ड का रेट है 24 कैरेट का, तो 22 कैरेट का रेट हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 52,000 रुपये इंटू 92%, तो आप लोगों का गोल्ड का रेट निकल के आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपका एग्जैक्ट गोल्ड का प्राइस ही वहां पे ब्रांड में आप लोगों को देखने के लिए मिले। ये होता है कि 92 की जगह 93 का रेट होता है, 94 का रेट होता है, 95 का भी रेट हो सकता है, क्योंकि उन लोग ये कहते हैं कि हम लोग आपसे प्रीमियम चार्ज करते हैं और जब आप लोग इसको एक्सचेंज भी करेंगे तब भी हम लोग आपसे जो है इसी तरीके से रिटर्न लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मेकिंग चार्जेस की। तो इनके मेकिंग चार्ज भी अगर हम लोग लोकल ज्वेलर्स से कंपेयर करें तो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है और डिजाइंस यूनिक्स होती है, इसकी वजह से इनके मेकिंग चार्ज भी होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू लोकल ज्वेलर्स। इसके बाद में जो है ये आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई 22 कैरेट हॉलमार्क की ज्वेलरी पसंद आई और आपके पास बजट कम है और आपने उस ज्वेलर को बोला कि भाई ये 22 कैरेट हॉलमार्क की ज्वेलरी आप मुझे 18 कैरेट में बना के दे दो, तो कोई ब्रांड ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका रीजन ये है कि उसका एसओपी है, उसी के थ्रू उसको चलना है, आपके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यही अगर आप किसी लोकल ज्वेलर्स में जाओ तो ये इजीली हो सकता है कि आपको अगर मान के चलिए कोई 22 कैरेट की ज्वेलरी पसंद आई तो आप उनसे कह के इसी ज्वेलरी को 18 कैरेट में भी बना सकते हो और उसी ज्वेलरी का जो है बजट थोड़ा सा कम ला सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोकल ज्वेलर्स की कि अगर आप लोग लोकल ज्वेलर्स से ज्वेलरी बाई करते हो तो आप लोगों को क्या बेनिफिट है। तो
तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि उनके पास भले ही कोई डिजाइन ना हो, जैसे आप कहीं दूसरी जगह से ब्रांड से ज्वेलरी का कोई डिजाइन देख के आए हो और वो उनके पास लोकल ज्वेलर्स के पास ना हो, लेकिन वो कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं और अरेंज करके आप लोगों को दे सकते हैं। ये तो हुआ पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इनके प्राइजेस जो होते हैं लो होते हैं। अगर आपको जानकारी है कि गोल्ड के प्राइस क्या है, गोल्ड के प्राइस कैसे वर्क करते हैं, 22 कैरेट का प्राइस कैसे निकाला जाता है, तो इनका जो प्राइस होता है जो ब्रांड होते हैं उनसे कम होते हैं। उसके बाद में मेकिंग चार्जेस भी इनके कम होते हैं, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्जेस नहीं रख सकते क्योंकि उनके पास में उतना कस्टमर बेस नहीं होता। सो दैट्स वाई आप लोगों को मेकिंग चार्जेस भी जो है लोकल ज्वेलर्स में बहुत कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ये लोग आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ब्रांड में आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लोकल ज्वेलर्स आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। अगर आपको कोई अलग चीज की जरूरत है, जैसे मान के चले 22 कैरेट की कोई ज्वेलरी आपको पसंद है लेकिन आपका बजट नहीं है, आप 18 कैरेट में बनाना चाहते हो, तो अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरा इतना बजट नहीं है, आप इसको 18 कैरेट में बना के दे, और आपको जानकारी है, ऐसा उस ज्वेलर को पता चल जाए और आप मेकिंग चार्ज देने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेंगे, तो वो आपको बना के दे देंगे। ये ट्रस्ट के ऊपर चीजें चलती है। लोकल ज्वेलर्स क्या होते हैं, ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं, तो आपको इस चीज का जो है फायदा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि मान के चलिए आपको सिल्वर बाई करना है और 400 ग्राम की, 500 ग्राम की, 250 ग्राम की जो सिल्ली आती है वो बाई करनी है, और आप किसी अगर ब्रांडेड ज्वेलर में गए और आपने बोला कि मुझे वो सिल्ली अरेंज करके दीजिए या फिर आपके पास है तो दीजिए, तो वो पहली बात तो कोई ब्रांड उसको रखेगा नहीं, और रखा भी है तो मतलब उसके प्राइजेस बहुत हाई रहेंगे। और अगर मान के चलिए लोकल ज्वेलर्स के यहाँ पे आप गए और आपको वो चीज की जरूरत है, तो उनके पास नहीं भी होगा ना तो वो आपको अरेंज करके देंगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट उनके साथ ऐसा बैठा हुआ है, तो लोकल ज्वेलर्स से बाई करने में ये फायदा है। अब कहीं कहीं पे कुछ लॉस भी होते हैं। अब लॉस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इनका कोई SOP नहीं होता, मतलब फिक्स जो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होता, लेकिन आपका एक बार ट्रस्ट बन गया तो इसके बाद में ये आपके लिए कोई भी SOP आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने ज्वेलर के यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बैठाया जाता है, हालांकि ब्रांड में भी बैठाया जाता है, लेकिन वो जो होता है ऑटोमेटेड प्रोसीजर होता है। लेकिन लोकल ज्वेलर के पास आप जाएंगे तो आप लोगों का जो प्रोसीजर है आप लोगों को देख के ही समझ में आ जाएगा कि वो जो है दिल से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनके पास गए हो, आप साथ में 2 कस्टमर 3 कस्टमर उनके पास और लेके जाओगे तो उनको एकदम खुशी होगी, तो आपसे कभी भी वो चीट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आप लोग ब्रांड में 2 3 कस्टमर 4 कस्टमर एक्स्ट्रा लेके जाओ तो आपकी उतनी कुछ खास वैल्यू नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पे प्रोसीजर ऑटोमेटेड है। लेकिन वही अगर आप किसी छोटे व्यापारी को सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे जो है आपकी रिस्पेक्ट होगी, तो ये एक चीज हो गई। फिर इसके बाद में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत गोल्ड की ज्वेलरी की नॉलेज है, जो वीडियोज में आपको अपने चैनल पे बना के बताता हूँ कैसे गोल्ड के कैलकुलेशन करने हैं, कैसे ज्वेलरी बाई करनी है, तो उस तरीके से अगर आपको जानकारी हो तो आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद में इनकी मल्टीपल ब्रांचेस नहीं होती, जैसे मान के चलिए एक शहर में ब्रांच है तो दूसरे शहर में भी होगी, लेकिन इसका आप लोगों को कोई भी जो है लॉस नहीं होता, क्योंकि अगर आप लोगों को प्राइस कम पड़ रहा है, मेकिंग चार्ज कम पड़ रहे हैं, आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल अगर ज्वेलर है तो वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, तो आप लोगों को तो फायदा ही है। आप कहीं से भी गोल्ड बाई कीजिए, गोल्ड हम लोग खरीदते क्यों है, क्योंकि हम लोग कहीं से भी बाई करके कहीं पे भी बेच सके, जरूरी नहीं है कि उसी ज्वेलर के पास बेच सके। इसलिए जो है मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो ओपिनियन है दोस्तों, कि हम लोगों को लोकल ज्वेलर्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो है हालांकि हो सकता है कि पहले एक बार या दो बार उनका और आपका बॉन्डिंग ना बने, लेकिन जब आपकी और उनकी बॉन्डिंग बन जाएगी, घर जैसा व्यवहार हो जाएगा, तो फेस टू फेस जो है चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी, और जो सारी चीजें जो ब्रांड आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें जो है लोकल ज्वेलर्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है हमारा चैनल जल्दी से थोड़ा सा ग्रो हो जाए और आपको भी अच्छा लगे देख के कि हमारे चैनल पे 1 लाख 2 लाख ऐसे सब्सक्राइबर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।